था वो कैसे दिल तोड़ते गाने में बीट आती है भाई हम ही गा रहे थे ना ऐसे अरे भाई इधर आ जाओ वापस से करना पड़ेगा वापस करो क्या बात अरे यार एक मोमेंट था जिसमें आप लोग मिलते हो जहाँ फंक्शन में ऐसा कभी हुआ है रियल में इंटरेस्टिंग मोमेंट वो शेयर करना चाहो मेरे साथ तो नहीं हुआ इसका पता नहीं मैं तो यही सोच के जाता हूँ कि भाई शादी वादी में खाना खाने जाएंगे तो ऐसे पीछे कोई टकराया जाएगा मतलब ऐसा कुछ नहीं होता अंकलों से टकराता फिरता हूँ मैं तो एंड अभिषेक इसके पहले काफी रील्स आप लोग ने साथ में किए इवन यू फोर ऑफ पीपल जितने रील्स हाँ जितना रील्स साथ में किया काफी इंटरेस्टिंग रील्स है शूट के दौरान वो सारी मेमोरीज हम बात करें तो उससे इजी होता है शूट करना कि किस तरह का एक्चुअली देखिए जिसके साथ आपके बॉन्ड शेयर होते हैं अभी हम लोग एक दूसरे को आई थिंक नाउ इट्स बीन 3 years दैट वी नो ईच अदर और साथ में हमने शो भी किया है और हम चारों मतलब पड़ोसी भी हैं तो हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है हम चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ऐसा होता है जब हम साथ में काम करते हैं तो मतलब हाँ हर प्रोजेक्ट के साथ मैंने जैसे बताया तजुर्बा बहुत अलग होता है नई चीज़ उसमें लानी पड़ती है तो थोड़ा उसमें मेहनत लगती है बट देन अगेन इफ देयर इज गुड केमिस्ट्री गुड एक्सपीरियंस तो सारी चीज़ें बहुत आसान है या समृद्धि जी हम बात करें तो चिंकी मिकी काफी फेमस कैरेक्टर है उसमें से इस गाने के दौरान कुछ कंफ्यूजन आया कि चिंकी को लिया जाए मिकी को कंफ्यूजन तो आई गेस नहीं आया था बिकॉज मेरे और सुरभि का एक टीम रहता है दोनों क्या करते हैं सुरभि ने अगर एक गाना किया नेक्स्ट सॉन्ग इज माइन फिर सुरभि करती फिर मैं सो इट्स लाइक साइमल्टेनियसली टू गो इज अ पेपर रॉक तू करी पर हम चारों को कब एक गाने में देखेंगे साथ में चारों का आई थिंक वेरी सून मेबी एंड इवन टॉकिंग अबाउट योर टॉक शो जहाँ पे एक बार सिद्धार्थ आया था नेक्स्ट अभिषेक आया था बट हम कॉमेंट सेक्शन की मैं बात करूँ तो द पीपल वॉज लाइक के हम चारों को एक साथ देखना चाहते हैं एंड टॉक शो फिर से आने वाला है ये भी सुनने में आया या तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जब 20 आया था तो सबसे पहले एपिसोड हमने सिद्धार्थ से शूट किया था देन अभिषेक केम इनटू द फ्रेम एंड दोनों एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर एंड बहुत अमेजिंग थे सो देयर एपिसोड्स आर आल्सो ट्रेंडिंग ऑन नंबर 5 आई थिंक या ऑल ओवर इंडिया अभी हम दोबारा सीजन 2 ला रहे हैं उसके लिए भी प्लानिंग की हम दोनों भाइयों को साथ चलाएं हीरो को काफी ज्यादा प्यार मिला था दर्शकों द्वारा उसके बारे में आप क्या कुछ कहें हीरो तो हमेशा से मेरे दिल में एक खास जगह बना के बैठा हुआ है और हीरो शूट करते दौरान हमने न जाने कितनी चीजें देखी थी पैंडेमिक लॉकडाउन शिफ्टिंग ऑफ सेट बहुत सारी चीज़ों को करते हुए हीरो किया था तो हीरो मेरे लिए बहुत ही मतलब स्पेशल प्रोजेक्ट रहेगा और अभी भी है हमेशा से और उसको करते करते मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ग्रूम करने का मौका मिला तो हीरो के लिए तो मेरे लिए दिल में 100/100 है एंड आपके भाई की मैं बात करूँ तो अब सलमान सर के साथ भी उन्होंने काम करेगा उससे पहले आमिर सर के साथ काम किया था ड्रीम रहता है एवरी बॉयज का ड्रीम रहता है कि तीनों खान टिक हो जाए एंड लाइक सेकेंड खान तो टिक हो चुके उसके बारे में क्या कुछ आपकी मम्मी ने क्या कुछ क्या रिस्पॉन्स है फैमिली का मतलब अभी तो मतलब होता ना कि घर में सब ढिंढोरे बज रहे हैं हमारे क्योंकि बिकॉज सिद्धार्थ ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया था इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्योंकि आप क्या होगा जब कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जब आपको लेनी होती है लाइफ में तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे ना करना पड़ता है तो वो जो ना करने वाला स्टेज होता है वो बहुत मुश्किल होता है तो उसको उसने पार किया उसका जो उसने हार्डवर्क किया एंड अपने आप पे काम करते करते और जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई और इतना बड़ा मौका मिला है ना सलमान भाई के साथ उसको काम करने का मौका मिला तो बहुत खुशी की बात थी पूरे घर के लिए मेरे लिए मम्मी के लिए हम सारे बहुत ही खुश हैं सिद्धार्थ अभी पूरी मेहनत के साथ पिक्चर में लगा हुआ है और मतलब उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा हो और बहुत बढ़िया करे वो फिल्म